हेलो दोस्तों, ई डेयरी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन के बारे में जाना था, तो साथ ही यह भी जाना कि क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन दूध की विजिबल, क्लीनलीनेस और एस्थेटिक क्वालिटी को इम्प्रूव करती हैं। कीपिंग क्वालिटी और शेल्फ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए सिर्फ क्लैरिफिकेशन और फिल्ट्रेशन सूटेबल नहीं है। कीपिंग क्वालिटी तब इम्प्रूव होगी जब दूध को माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और पैथोजन फ्री किया जाएगा। दोस्तों, पास्चराइजेशन यानी हीट ट्रीटमेंट से दूध में मौजूद लगभग सभी पैथोजन्स तो मर जाते हैं, लेकिन कुछ माइक्रोऑर्गेनिज्म्स और पैथोजन्स हीट रेजिस्टेंट स्पोर बनाते हैं जिन्हें पास्चराइजेशन से भी नहीं मारा जा सकता, जैसे क्लोस्ट्रीडियम स्पीसीज। ये एनारोबिक स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है जो चीज और अन्य प्रोडक्ट्स में लेट ब्लोइंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इसकी स्मॉल अमाउंट भी प्रोडक्ट को खराब करने के लिए सुफिशेंट होती है। ये पास्चराइजेशन टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर जाते हैं, तो इसको दूध से रिमूव करने के लिए हाई स्पीड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का सहारा लिया जाता है। बैक्टेरिफिकेशन प्रोसेस से लगभग 85 से 95% हीट रेजिस्टेंट स्पोर जो पास्चराइजेशन से नहीं मर पाते उन्हें रिमूव किया जा सकता है। बैक्टेरिफिकेशन प्रोसेस मेनली स्पोर फॉर्मर्स बेसिलाई और क्लोस्ट्रीडिया को लो टेम्परेचर पर रिमूव करके दूध को स्टेरिलाइज कर सकती है। दोस्तों, अब बात करते हैं बैक्टेरिफिकेशन के मेन गोल्स। पहला गोल है दूध की हाइजेनिक क्वालिटी को इम्प्रूव करना। सेकंड गोल है दूध को बिना ज़्यादा हीट किए उसमें से हीट रेजिस्टेंट बैक्टीरिया को रिमूव करना। थर्ड गोल है दूध की बैक्टीरियोलॉजिकल प्योरिटी और कीपिंग क्वालिटी को बेहतर बनाना। बैक्टेरिफिकेशन प्रोसेस दूध में मौजूद लाइव और डेड दोनों तरह के बैक्टीरिया को फर्दर डेयरी प्रोडक्ट्स में जाने से रोक सकती है। बैक्टेरिफिकेशन प्रोसेस के लिए बैक्टोफ्यूज डिवाइस का यूज किया जाता है। बैक्टोफ्यूज एक स्पेशल नोजल क्लैरिफाइंग सेपरेटर होता है जिसमें नंबर ऑफ डिस्क हाई स्पीड पर रोटेट करती हैं। दूध में से बैक्टीरिया रिमूव होने का मुख्य प्रिंसिपल दूध और बैक्टीरिया की डेंसिटी डिफरेंस है। बैक्टीरिया की डेंसिटी दूध से ज़्यादा होती है जिससे सेंट्रिफ्यूगल फोर्स लगने से दूध में से बैक्टीरिया अलग हो जाते हैं। जनरली स्किम मिल्क की डेंसिटी 1.036 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है, जबकि बैक्टीरिया की डेंसिटी 1.07 से 1.13 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है। बैक्टेरिफिकेशन से पहले दूध को स्किम्ड कर लिया जाता है ताकि डेयरी फैट्स का लॉस ना हो। दोस्तों, अब बात करते हैं डिजाइन ऑफ बैक्टोफ्यूज। बैक्टोफ्यूज दिखने में क्रीम सेपरेटर की तरह होता है। बैक्टोफ्यूज में भी बाउल होता है जिसमें कई डिस्क लगी होती हैं। बाउल की पेरिफेरी यानी बाहर की तरफ नोजल लगी होती है। बैक्टोफ्यूज को एक फिक्स इंटरवल के बाद क्लीन करना पड़ता है, लेकिन मॉडर्न बैक्टोफ्यूज सेल्फ क्लीनिंग सेपरेटर के बेस पर काम करते हैं। मॉडर्न बैक्टोफ्यूज मेनली दो तरह के होते हैं, टू फेज बैक्टोफ्यूज, वन फेज बैक्टोफ्यूज। दोस्तों, टू फेज बैक्टोफ्यूज में टॉप पर टू आउटलेट्स होती हैं, वहीं वन फेज बैक्टोफ्यूज में केवल एक ही आउटलेट होती है। टू फेज बैक्टोफ्यूज में एक फेज बैक्टीरिया रिड्यूस्ड फेज होता है, जबकि दूसरा फेज बैक्टीरिया कंसंट्रेट को डिस्चार्ज करता है। वहीं वन फेज बैक्टोफ्यूज में एक फेज केवल बैक्टीरिया रिड्यूस्ड फेज होता है, जबकि बैक्टीरिया कंसंट्रेट यानी बैक्टोफ्यूज बाउल में मौजूद स्लज स्पेस में कलेक्ट हो जाता है। टू फेज बैक्टोफ्यूज में कंटिन्यूस डिस्चार्ज होता रहता है, वहीं वन फेज बैक्टोफ्यूज में इंटरमिटेंट इंटरवल्स के बाद स्लज स्पेस को डिस्चार्ज किया जाता है। टू फेज बैक्टोफ्यूज ज़्यादा एफिशिएंट होता है क्योंकि यह फीड का लगभग 3% बैक्टोफ्यूगेट को एक बार में रिमूव कर देता है। वहीं वन फेज बैक्टोफ्यूज लेस एफिशिएंट होता है, यह केवल टोटल फीड का 0.15% बैक्टोफ्यूगेट रिमूव कर पाता है। जनरली बैक्टोफ्यूगेशन पास्चराइजेशन यानी हीट ट्रीटमेंट के बाद में की जाती है जिससे माइक्रोबियल लोड भी कम आते हैं और साथ ही साथ हीट रेजिस्टेंस स्पोर आसानी से
रिमूव हो जाते हैं। रेक्टिफिकेशन जनरली 55 से 60 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर की जाती है। ज़्यादा टेम्परेचर से दूध के मुख्य सेंसिटिव कंपोनेंट्स के बैक्टीफिकेट और स्लज के साथ लॉस होने के चांस रहते हैं। बैक्टीफिकेशन के बाद दूध को फिर से चिल्ड किया जाता है ताकि माइक्रोबियल ग्रोथ फिर से होने से प्रिवेंट की जा सके। बाद में बैक्टीफ्यूज दूध को चीज़ मेकिंग, इन्फेंट मिल्क पाउडर मेकिंग और अन्य डेयरी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दो, और ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए ई डेयरी चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू दोस्तों।